क्लियरली अबाउट योर चैप्टर नंबर 4 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान के बारे में हम क्लियर आउट करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर है। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। चैप्टर का नाम है आसियान। सो आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान जो है ये ग्रुप है 5 कंट्रीज का था। ये स्टार्टिंग में 5 फाउंडर कंट्रीज थी, बाद में इसकी 5 कंट्रीज और ऐड हो गई। तो हम इसमें ये क्या देखेंगे कि आसियान कैसे फॉर्म हुआ, कैसे इसने अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया, कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाया, कैसे इसने अपने आप को डेवलप करा, तो इसने क्यों, मतलब इसका मोटिव क्या था, ठीक है, सब कुछ हम क्लियर आउट करेंगे। तो अब देखते हैं आसियान की फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी फुल फॉर्म क्लियर हो गई। 1967 में ये फॉर्म हुआ था। 5 फाउंडर कंट्रीज थी इसकी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। 5 कंट्रीज आपको याद करनी पड़ेंगी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ठीक है, और 5 कंट्रीज है। तो ये भी क्लियर आउट हो गई, ये 5 फाउंडर कंट्रीज है। स्टार्टिंग में 5 फाउंडर कंट्रीज, मतलब 5 कंट्रीज का ग्रुप था। स्टार्टिंग में ये 5 ही थी, बाद में ये 5 ऐड हुई। तो इनका नाम क्या है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और बुर्ने दारसलाम। तो ये जो 5 कंट्रीज है ये बाद में इनकी ऐड हुई, बट हमें 10 की 10 कंट्रीज याद होनी चाहिए, 5 फाउंडर कंट्रीज एंड देन 5 जो आपकी ऐड हुई थी बाद में, ठीक है। अब आसियान के फ्लैग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट अबाउट द फ्लैग ऑफ आसियान? सो जो आसियान का जो फ्लैग है मैं उसको साइड में लगा भी दूंगी, जिससे आपको थोड़ा क्लियर आउट हो जाए कि कैसा आसियान का फ्लैग एक्चुअल में दिखता है, ठीक है। वैसे तो कोई गूगल पे जाके सर्च करता है आज के टाइम में, बट फिर भी मैं लगा दूंगी, ठीक है। तो जो फ्लैग ऑफ फ्लैग जो है आसियान का, उसके अंदर स्टग ऑफ पैडी है, ठीक है। स्टग ऑफ पैडी मतलब जो आपने देखी होगी ना, स्टग ऑफ पैडी मतलब पैडी तो आपने देखी होगी, तो वो 10 कंट्रीज को शो करती है। ये जो इनकी 10 कंट्रीज है इनको ये शो करती है फ्लैग की जो स्टग ऑफ पैडी है। और इसका जो मेन मतलब वो मेन जो पर्पज है वो ये है, पीस, यूनिटी और फ्रेंडशिप। ये अगेंस्ट है वॉयलेंस के, ये शांति को मतलब ज़्यादा बढ़ावा देती है, भाईचारे को, फ्रेंडशिप को और एकता, ठीक है। हमें ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था आसियान, आसियान के एस्टेब्लिशमेंट होने का कैसे हुआ था, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए एक एग्रीमेंट होता है। तो इसके लिए था बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन किए गए थे 1967 में, 5 फाउंडर कंट्रीज ने साइन करे थे, उसके बाद जो है आसियान एस्टेब्लिश हो गया था। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर को याद जरूर कर लेना, 1967 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, और बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद ही ये आसियान स्टेबल हो गया था। एक बात और, आसियान वे है वो एक आसियान ने एक ऐसा वे बना रखा है जिसकी वजह से इसने अपना नेम और फेम कमाया है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट ARF, ठीक है। ARF क्या था इसके बारे में हम देखते हैं। ARF एक आसियान रीजनल फोरम थी, मतलब इसकी फुल फॉर्म है आसियान रीजनल फोरम, और ये सेटअप हुई थी आपकी 1994 में। आपको इसकी डेट याद बहुत करनी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ARF सेटअप हुई थी आसियान रीजनल फोरम 1994 में। किसके किस चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के पीछे किसी ना किसी चीज़ का मोटिव होता है, क्यों होता है? डेवलपमेंट करना था सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020 क्या था? आसियान विजन 2020 में क्वेश्चन आता है कि बट वॉज द आसियान विजन 2020। तो इसके अंदर क्या था कि दो कंट्रीज थी, तिमोर और कंबोडिया, ईस्ट तिमोर और कंबोडिया। ईस्ट तिमोर और कंबोडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे थे कुछ, तो उन कन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए आसियान की जो कंट्रीज हैं उन्होंने इंटरफेयर करा और उन्होंने उनके इंटरेक्शन को स्टॉप करा, उनके कन्फ्लिक्ट को स्टॉप करा। इनका मेन मोटिव होता है फ्रेंडशिप, यूनिटी और पीस, इसीलिए इन्होंने हेल्प करी उनकी उनके कन्फ्लिक्ट्स को स्टॉप करने के लिए। और एक और चीज़ क्या है, इनको बायलेटरल डायलॉग्स का यूज़ करा इन्होंने इंटरेक्शन की जगह, इन द प्लेस ऑफ इंटरेक्शन। मीन्स हर एक चीज़ में ये क्या करते हैं, इनका फर्स्ट मोटिव ये होता है कि जैसे बायलेटरल डायलॉग्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को वॉर के थ्रू ना सॉर्ट आउट करें, हम उनको बातचीत के थ्रू सॉर्ट आउट कर लें। तो इन्होंने बायलेटरल डायलॉग का यूज़ करते हैं हर जगह सबसे पहले, और बाद में इंटरेक्शन के उस पर बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले बायलेटरल डायलॉग्स का यूज़ करते हैं किसी भी जगह, और जो इंटरेक्शन हो रहा होता है या फिर कन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं उनको ये रोकते हैं। और उनका थर्ड पॉइंट क्या है आसियान विजन 2020 का, कि हेल्प करते हैं हर एक सेक्टर के अंदर अपनी कंट्रीज में, जैसे हर एक सेक्टर इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, जितने भी सेक्टर है ये आपस में इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक और
मेन पॉइंट ये अलग से लिखा था मैंने कि जो इंडिया है उसकी FTA है, इंडिया हैविंग FTA विद टू कंट्रीज ऑफ आशियान, विच टू कौन सी है वो, फर्स्ट वन इज थाईलैंड एंड सेकेंड वन इज सिंगापुर। सिंगापुर और थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर किसी को FTA के फुल फॉर्म नहीं पता हो तो वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लिख देती हूँ मैं, ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी फुल फॉर्म, और ये दो कंट्रीज के साथ साइन है आशियान, और आशियान की कंट्रीज के अंदर भी FTA है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे आशियान के थ्री पिलर्स के बारे में। तो थ्री पिलर्स इसके क्या है, आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक और सोशल एंड कल्चरल। जो आशियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी है इसके अंदर या आशियान की कंट्रीज के अंदर जो मिलिट्री पावर है उसको मजबूत करना चाहते हैं इनकी सिक्योरिटी को। सेकेंड पर आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर ये मार्केट फोर्सेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, इनकी इकोनॉमी को रैपिड ग्रोथ देना चाहते हैं और कम्पीट करना चाहते हैं डेवलप्ड कंट्री के साथ। और जो ये आशियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी है, सोशल एंड कल्चरल के अंदर क्या है कि सोशल एंड कल्चरल जो कि एक्टिविटीज़ हमारी आशियान कंट्रीज़ के बीच में होती है उसके अंदर ये आएगा। और फिर जो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स है कि किस बेस पे ये बनाया गया है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेते हैं। अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रेफरेंस टू पीस एंड फ्रेंडशिप, की शांति और भाईचारे को प्रेफरेंस करते हैं ये। सेकेंड वन है बायलेटरल टॉक्स, मतलब बायलेटरल डायलॉग्स का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, थर्ड वन है इसका मेन फोकस रहता है इसके थ्री पिलर्स पे कि सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी इसकी सही रहे। और फोर्थ वन है UNO के रूल्स ये मानता है, सारे रूल्स ओबे करता है। एंड लास्ट वन है कि आशियान कंट्रीज को रैपिड ग्रोथ करनी है अपनी इकोनॉमी की, सोशल कल्चर की और सिक्योरिटी की। ठीक है, इसमें इतना ही है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द चाइना कंट्री। एंड चाइना के बारे में हम पढ़ेंगे सारी चीज़। तो चाइना की इकोनॉमी देख लेते हैं कैसे राइज अप हुई। तो चाइना का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ था चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद। माउथ से तंग जो थे वहाँ के, उनके रिप्रेजेंटेशन में चाइना का जो रेवोल्यूशन था 1949 में स्टार्टअप हुआ, और जो चाइना के जो लोग हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इनको मिल गया। कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था, जो चाइना था वो सपोर्ट कर रहा था USSR को। मैंने बताया था उसमें चैप्टर नंबर वन में कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, USSR अलग में था और USA अलग में था। ठीक है, तो जो USA अलग में था और USSR अलग में था, तो दोनों का एक रीज़न ये था कि इन्होंने वेस्टर्न लाइंस और ईस्टर्न लाइंस बना ली। तो चाइना जो था वो USSR के साथ था, तो चाइना सपोर्ट कर रहा था कोल्ड वॉर के टाइम पे किसको, USSR को। ठीक है, और अगेंस्ट किसके था, कैपिटलिज्म के। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट मीन्स USA के अगेंस्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है चाइना ने रेवोल्यूशन के बाद जो चाइना ये सेपरेट हो गया USSR से। बट स्टार्टिंग में USSR ने बहुत हेल्प करी चाइना की उसकी इकोनॉमी को सेटअप करने के लिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे चाइना ने अपने एग्रीकल्चर को सुधारा। ठीक है, चाइना ने सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करा, और धीरे धीरे उसने सबसे पहले तो उसने इम्पोर्ट करा एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी थी उसको इम्पोर्ट करा। फिर उसके बाद चाइना ने अपनी कंट्री में इसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा, और उसने प्रोड्यूस इतना प्रोड्यूस हो गया कि एक्सेसिव प्रोड्यूसिंग के कारण एग्रीकल्चर को उसने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने एक्सपोर्ट करा एग्रीकल्चर को, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके पास फॉरेन करेंसी आ गई, फॉरेन एक्सचेंज आ गया। फॉरेन एक्सचेंज आने के बाद उसने इंडस्ट्रीज सेटअप करी अपनी, फिर उसने अपनी इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करा। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट योर 1972 में चाइना ने अपनी पॉलिटिकल लोनलीनेस खत्म कर दी थी, क्योंकि चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए ज़्यादा कंट्रीज नहीं थी। तो चाइना ने अपनी फ्रेंडशिप अमेरिका के साथ दोबारा अच्छी कर ली, गुड रिलेशन विद अमेरिका। ठीक है, सेकेंड वन है 1973 में चाइना ने फोकस करा मिलिट्री पे, इंडस्ट्री पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। रिप्रेजेंटेशन किसकी थी, चाओ एनलाई की। ठीक है, और 1978 की बात करें तो 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंग शाओपिंग। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या है कि इसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, जिसके अंदर इसका जो ट्रेड है वो बिल्कुल ओपन हो गया था, कोई भी इसके साथ ट्रेड आके कर सकता था। ठीक है, फिर 1982 में इसने प्राइवेटाइजेशन कर दिया था एग्रीकल्चर का। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या फ़ायदा हुआ, प्राइवेटाइजेशन में इसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जिसकी वजह से इनका एग्रीकल्चर अप हो गया। उसके बाद इसने 1998 में प्राइवेटाइजेशन कर दिया इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, बट रोल किसका ज़्यादा रहा था, पब्लिक सेक्टर का ही, बट प्राइवेटाइजेशन कर दिया था एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज़ का। फिर 2001 में चाइना को WTO में शामिल कर लिया गया, और ऐसा माना भी जाता है कि चाइना जो है वो कम्पिटीट कर रहा है USA से, और 2040 या 2050 तक चाइना अमेरिका की जगह ले सकता है, ऐसा बोला जा रहा है, बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि जो चाइना है, चाइना के अंदर क्या है।
इंडो चाइना रिलेशन में देखते हैं, चाइना की जो है कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। जल्दी जल्दी में थोड़ी राइटिंग का ध्यान देख लेना। कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, एक सिंगल पार्टी है, वन पार्टी डोमिनेंस है चाइना के अंदर। फिर जो फर्स्टली जो किसने सपोर्ट करा था, एक इंडिया ऐसी कंट्री थी जिसने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करा था, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। फिर उसके बाद क्या हुआ, वन पार्टी डोमिनेंस था स्टार्टिंग में, जो हमारे जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे, तो लोगों ने नारे भी दिए थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, एज यू ऑल नो नारे दिए गए थे कि भाई हिंदी चीनी तो भाई भाई है, ठीक है, ये नारा दिया गया था जब हमारे गुड रिलेशन थे चाइना के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने टेक ओवर कर लिया था तिब्बत पे, ठीक है, 1950 में कंट्रोल कर लिया तिब्बत पे चाइना ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तिब्बत पे कंट्रोल करने के बाद चाइना क्लेम कर रहा था कि मेरे जो एरिया है वो इंडिया के, वो क्या क्या दिखा रहा था, एक तो नेफा जो है आपकी एनसीईआरटी में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आपका अक्साई चीन, अक्साई चीन और लद्दाख, लद्दाख का जो कुछ एरिया था, ठीक है। तो इस एरियो पे इन्होंने अपना मतलब क्लेम कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो तिब्बत के लीडर थे 1959 में, तिब्बत के लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने एज अ रिफ्यूजी परमिशन ली हमारी कंट्री से कि हम मैं आपकी कंट्री में एज अ रिफ्यूजी रहना चाहता हूँ, तो हमने परमिशन दे दी थी, ठीक है। दलाई लामा तिब्बत के लीडर थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो इन्होंने 1959 में परमिशन ली, फिर उसके बाद जो है 1962 में ना एक वॉर हो गया था, 1962 में चाइना और इंडिया का एक वॉर हो गया था। चाइना ने एलिगेशन लगाए थे इंडिया पे कि तुम हमारे इंटरनल मैटर में दखल दे रहे हो। सबसे पहली बात, इसने हमारा तिब्बत ले लिया, तिब्बत हमारा, चीज़ हमारी और कब्जा इनका, ठीक है, इंटरनल अफेयर कहाँ हो गया, तिब्बत तो हमारी कंट्री का ही था, बट इन्होंने ये भी कह लिया चलो मान लिया हमने। 1962 में इन्होंने हमला कर दिया और हम वॉर हार गए, ठीक है, वॉर हारे भी नहीं, इन्होंने अपनी जो आर्मी है वो वापस ले ली थी, पता नहीं क्यों ले ली थी, क्या इनके दिमाग में आया था। तो 1962 में वॉर हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो ट्रेड था चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो हमारी जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रही थी इससे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब कोई भी टेरर अटैक होता है ना, हमारा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से चाइना जो मिला हुआ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है, थ्रेट बना हुआ है इंडिया के लिए कि जो पाकिस्तान और चाइना है उसके रिलेशन अच्छे बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमारा एनिमी रहा है हमारा स्टार्टिंग से। तो क्या हुआ भाई, पाकिस्तान जब भी कोई टेरर अटैक इंडिया के ऊपर करता, इंडिया उस केस को यूएन में लेके जाता, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को बचा लेता विटो लगा कर कि नहीं पाकिस्तान तो कोई निर्दोष है, पाकिस्तान ने तो कुछ कराया नहीं। तो इसी वजह से जो इंडिया के जो कई बार जैसे मोहम्मद जब कितने भी क्रिमिनल्स हुए, कितने भी टेररिस्ट हुए हैं, उनको हम एक इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं मतलब डिक्लेयर कर पाए, क्योंकि चाइना हर बार वहाँ पे विटो लगा देता था, ठीक है। तो चाइना के जो आज के टाइम के जो रिलेशंस हैं वो हमारे ख़राब हो गए, स्टार्टिंग में रिलेशन बहुत अच्छे थे, इसी को हम इंडो चाइना रिलेशन बोलते हैं। और ट्रेड भी जहाँ रहे तो ट्रेड में सबसे आगे चाइना और हमारा रिलेशन है ही, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी आता है, ठीक है। और चाइना जो है वो बढ़ती इकनॉमी है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फर्स्ट जो है इसकी पॉपुलेशन है और सेकेंड वन जो है हमारी इंडिया की है, दैट्स क्लियर। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।